ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं कैमरा को टर्न करती हूँ एंड नाउ गोइंग टू प्लेस माय मोबाइल ऑन अ प्रॉपर वे सो दैट यू ऑल आर एबल टू सी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है क्या? तो आज मैं राधा को ये उनका दुपट्टा कलर करूंगी। दुपट्टा को मैं ऑरेंज कलर से करूंगी। पुष्पा दीदी अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ, सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो बाद में रिकॉर्डिंग में ना वो पिक्चर आ जाता है फिर जिसका ऑन रहता है। हाँ, सबका म्यूट होने से क्या होगा, सिर्फ यही स्क्रीन पे आएगा, अदरवाइज किसी का भी ऑन होगा तो ये स्क्रीन पे फिर नहीं आएगा। तो अभी हम लोग राधा का ड्रेस है इसको हम लोग कलर करेंगे। ये है दुपट्टा है उसको हम लोग कलर करेंगे। तो येलो कलर ऑरेंज कलर से हम करेंगे इसको कलर। बहुत ध्यान से करना है। दीदी हाँ जी, कर रही हूँ जी, ऑरेंज कलर कैसे बनाए? अगर ऑरेंज कलर आपके पास रेड है, जी है, येलो कलर है, हाँ, तो येलो और रेड को जब मिक्स करेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर बनेगा। ओके थैंक यू दी, ट्राई करती हूँ। इसका येलो मात्रा ज्यादा ज्यादा रहेगा? आप कॉम्बिनेशन मिक्स करके देंगी, देखेंगी आपका दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें ऑरेंज कलर चाहिए ना। जी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। हाँ
तो हम लोग इसमें जो फ्लावर बना है उसको हम लोग नहीं डिस्टर्ब करेंगे, उसको छोड़ करके हम लोग फिल करेंगे। अभी आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग लाइन क्यों देते हैं। तो कोई भी ड्राइंग का जो उसका लुक है वो अगर हम डबल लाइन नहीं देंगे तो वो भर करके नहीं आएगा, इसीलिए लाइन देना बहुत जरूरी है। मधुबनी आर्ट में लाइंस की बहुत इम्पोर्टेंस है, पूरी पेंटिंग लाइन के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो हम लोग आज इसको कलर दुपट्टा एंड कृष्णा का फिर बॉडी का कलर हम लोग बनाएंगे ब्लू कलर। तो अगर ब्लू कलर हमारे पास, क्योंकि ब्लू मेन कलर है तो वो कलर नहीं बन सकता है, सपोर्टिव कलर बनते हैं। कुछ कलर्स प्राइमरी होते हैं और कुछ सपोर्टिव होते हैं जो कि एक दूसरे को मिक्स करने से बनते हैं। तो प्राइमरी कलर तो नहीं बन सकता, जैसे ब्लू हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, तो ये सारे कलर प्राइमरी हैं, ये हमारे पास होने चाहिए तभी हम दूसरा कलर बना पाएंगे। लाइक येलो एंड येलो को मिक्स करेंगे तो हमारा ग्रीन कलर बनेगा, येलो एंड ब्लू को मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर बनेगा। तो वैसे ही कलर जैसे बनाते हैं, ब्राउन कलर बनाने के लिए येलो एंड ब्लैक को मिक्स करेंगे तो बनेगा। अगर येलो नहीं है ब्राउन कलर के लिए हमारे पास ऑरेंज नहीं है तो पहले तो हम ऑरेंज कलर बनाएंगे एंड उसी में हम लोग थोड़ा सा ब्लैक कलर को ऐड ऑन करेंगे, और या तो ब्लू है तो करेंगे ऐड करेंगे तो डार्क कलर एक तैयार होगा हमारा मिलता जुलता।
हमारा दुपट्टा तैयार हो गया है। अब दुपट्टा ये पार्ट भी अभी थोड़ा सा बचा है, उसको भी हम लोग कलर कर लेंगे। जहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज है तो हम उस वहां पे राउंड ब्रश की सहायता से करेंगे कलरिंग, नहीं तो फिर हमारा ओवरलैप होने का खतरा है। बहुत आराम आराम से हम लोग फिलिंग करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करने से एक दूसरे के ऊपर आने का खतरा होता है एंड फिर हमारा पूरा स्पॉइल हो जाएगा पेंटिंग जो हम बना रहे हैं। तो हमें पेशेंस रखना है एंड धीरे धीरे आराम से उसको फिनिश करना है। तो हमारा राधा का ऑलमोस्ट तैयार हो गया, थोड़ा सा एक पार्ट बचा है तो उसको मैं अभी फिनिश करूंगी। तो इसको हम लोग ड्राई होने देंगे, तब तक हम लोग इस पार्ट को नहीं डिस्टर्ब करके हम लोग दूसरा इस पार्ट पे आएंगे। ट्रीज का जो ये लीफ है इस पार्ट को हम लोग फिनिश करेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल ऑल ऑफ यू एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक कलर ग्रीन। तो हमारे पास ग्रीन कलर ऑलरेडी है, हम लोग इसके लिए ब्राइट ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, सैप ग्रीन भी ले सकते हैं। तो हमारे मेरे पास सैप ग्रीन है तो आई एम टेकिंग दिस सैप ग्रीन कलर। थोड़ा सा मैं डल लुक चाह रही हूँ
तो अगर इफ यू वॉन्ट देन यू कैन यूज ब्राइट कलर. तो इसका जो लीफ के अंदर वाले पार्ट को हम लोग फिल करेंगे. आउटर पार्ट को हम लोग नहीं करेंगे. तो ये हम लोग भरनी स्टाइल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कलर फील कर रहे हैं इसमें. फिर कृष्णा का भी फेस को का हम लोग कलर बनाएंगे और करेंगे. राधा के लिए भी कलर हम बनाएंगे, राधा का फेस का कलर भी हम लोग बनाएंगे, स्किन कलर. उस टाइम पे ज्यादातर लोग स्किन कलर के जगह पे बहुत बार येलो कलर से भी कर दिया करते थे. आजकल तो लोग कलर भी बना करके करते हैं. तो स्किन कलर भी हम लोग, जैसे गोरी है राधा, तो हम लोग इनका येलो, वाइट में हम लोग येलो एंड थोड़ा सा क्रिम्सन मिक्स करके कलर, स्किन कलर बनाएंगे. तो मेन कलर वाइट होगा एंड दूसरे कलर्स को हम लोग एड ऑन करेंगे. तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग वाइट में जस्ट पिंच ऑफ, जस्ट डॉट हम लोग कलर डालेंगे रेड एंड येलो. तो फर्स्ट हम लोग रेड येलो वाइट में ऐड करेंगे एंड बहुत हल्का सा हम लोग उसमें रेड कलर डालेंगे. तो हम लोग बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि एक पार्ट को अगर हमने कवर किया तो दूसरा फिर हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उस पार्ट को ड्राई होने देंगे एंड हम लोग वेट करेंगे एंड फिर हम लोग दूसरे पार्ट में आ जाएंगे. एंड क्योंकि ड्राई नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर कलर हाथ से भी फैल सकता है. तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस. मधुबनी जनरली लोग ग्रुप में क्या करते थे, अकेले नहीं करते थे, क्योंकि क्या होता है बहुत फाइन लाइंस होते थे. तो लोग फंक्शंस में ग्रुप में पेंटिंग बनाया करते थे इसका, दीवार पे एंड कमरे में या फिर कहीं के भी वॉल को ये लोग इस तरीके से डेकोरेट किया करते थे. तो हमने लीफ का कंप्लीट करा एंड अब मैं इसका वर्ड दोनों बर्ड्स को फिनिश करूंगी.
बर्ड्स के लिए हम लोग कलर चूज करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है, विजिबल है आई थिंक बर्ड्स, तो अब हम लोग बर्ड्स के लिए कलर लेंगे। सॉरी बर्ड्स के लिए हम लोग येलो कलर लेंगे। एक बर्ड्स को हम लोग एक येलो, इसका फेस वाला पार्ट हम लोग येलो करेंगे एंड इसका पंख को हम लोग दूसरा कलर करेंगे और दूसरे दोनों बर्ड्स को हम लोग येलो एंड ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग राउंड ब्रश की हेल्प से ही करेंगे क्योंकि बहुत फाइन जो भी होगा उसको राउंड ब्रश से करेंगे। फ्लैट ब्रश का हम लोग यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि अगर फ्लैट ब्रश का करेंगे और हल्ला नहीं करते। सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैं वर्ड का आउटर पार्ट कलर करूंगी येलो। दूसरे वर्ड का भी हम लोग एंड फिर मैं इसका पंख को येलो कलर से सॉरी ब्लू से कलर करूंगी। अब इसका वीक हम लोग रेड कलर का सही करेंगे, कलर करेंगे।
डायरेक्ट रेड कलर से स्काइज ब्लैक कलर सेंटर पे जस्ट एक डॉट देंगे तो हमारा बॉर्ड्स कलर हो गया. हमने लिप्स का कलर कर लिया कंप्लीट. अब हम लोग इस पार्ट का को जब तक ड्राई होता है तब तक हम लोग कृष्णा का ये जो पंख लगा हुआ है मुकुट है हम उसको फिनिश करेंगे. तो मुकुट के लिए हम लोग कलर लेंगे. लाइट ब्लू में बनाऊंगी कलर एंड डार्क एंड फिर थोड़ा सा ग्रीन. तो ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करके कलर हमारा बनेगा. और एक जो सेंटर पे है उसको हम लोग डायरेक्ट ब्लू कलर ये कलर से ग्रीन कलर से फिल करेंगे. ब्राइट ग्रीन से फिल करेंगे. और नीचे का पार्ट हमारा कलर होगा लाइट ब्लू एंड ब्लू में थोड़ा सा व्हाइट को मिक्स करके हम लोग कलर जैसे मैं बना रही हूँ. ब्लू हमने निकाला व्हाइट लूंगी. तो एक ब्रश को मैं यूज कर रही हूँ व्हाइट ले रही हूँ थोड़ा. इन दोनों कलर को मिक्स करके एंड इसमें ही थोड़ा सा हम लोग ग्रीन डालेंगे ग्रेडियंट ग्रीन डालेंगे और एक कलर तैयार करेंगे सी ग्रीन कलर हम तैयार करेंगे. तीनों कलर को मिक्स करने के बाद एक कलर तैयार होता है थोड़ा सा ब्रिलियंट ग्रीन एंड ब्लू एंड उसमें व्हाइट को एड ऑन करेंगे. अब इस कलर से हम लोग कृष्णा का मुकुट है उसको हम लोग फिल करेंगे. अब हम लोग आउटर कलर भी हम लोग करेंगे. आउटर जो है ये इसका पार्ट ये वाला फ्लावर है उसको हम लोग मेजेंटा कलर में करूंगी और अंदर का डायरेक्ट ग्रीन कलर से मैं करूंगी. ये पार्ट जो है इसको मैं डायरेक्ट ग्रीन कलर से कर रही हूँ. आउटर पार्ट को मैं मैजेंटा कलर यूज करूंगी.
तो आपको जो कलर अच्छा लग रहा है आप उस कलर को भी यूज कर सकते हैं। नीचे के पार्ट को मैं डार्क ब्लू कलर से लूंगी। एंड अब मैं उनका स्किन कलर कलर बनाऊंगी, तो ब्लू ब्लू में व्हाइट को डाल करके हम लोग एक कलर बनाएंगे और उसी कलर से उनका हम लोग फेस एंड बॉडी को कलर करेंगे। तो आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को, दिख रहा है सभी को जो मैं कर रही हूँ कृष्णा। तो अभी कृष्णा का ये हेयर हम लोग ब्लैक कलर से करेंगे एंड उनका बॉडी के लिए हम लोग कलर बनाएंगे। तो जो पार्ट इनका दिख रहा है तो उसको हम लोग व्हाइट एंड ब्लू कलर से मिक्स करेंगे। तो ये कलर है उनके बॉडी के लिए हमने बनाया है। इस कलर से हम लोग उनके बॉडी बॉडी को कलर करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से कलर हमें करना है। हम लोग और लाइट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग पानी लेंगे कलर को डाइल्यूट करने के लिए। और फेस का पार्ट है तो हम लोग राउंड ब्रश का यूज करेंगे, थिक राउंड ब्रश से हम लोग करेंगे।
आप लोगों को दिख रहा होगा कृष्णा का हम लोग पूरा बॉडी उनका कलर कर रहे हैं ब्लू कलर। जनरली वो सांवले थे तो लौकिक में जो ये लोग बनाते हैं तो वो लोग जनरली ब्लू ही दिखाते हैं। उनका कॉन्सेप्ट है कि वो सांवले रंग के थे और ब्लू कलर उनको वो लोग दिखाते हैं। तो इसलिए अब ये पार्ट के लिए मैं फ्लैट ब्रश का यूज कर सकती हूँ। आप लोग भी ध्यान करके देखिए तो जिस पार्ट को आप लोग कर सकते हैं फ्लैट ब्रश से उसको हम लोग फ्लैट ब्रश से करेंगे, जिस पार्ट को हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग राउंड ब्रश से करेंगे। अब हम लोग कृष्णा का उस पार्ट के बाद उनका फेस का आईज के पास का कलर भी हम लोग थोड़ा और लाइट करके करेंगे व्हाइट से। ये पार्ट भी इनका बॉडी का नहीं है, ये फ्लो इसका है जो हमारा बैकग्राउंड है उसी कलर का है। तो हम लोग उसको अब इनका ये जो जो उनका उनकी बॉडी पे सॉल जो डाले हुए हैं उसका भी हम लोग कलर करेंगे और उसको हम लोग येलो कलर लेंगे। जनरली वो पीतांबरधारी होते थे तो हम लोग येलो कलर लेंगे उनका बॉडी के पार्ट को। उनका जो स्टॉल है उसको हम लोग येलो कलर से करेंगे, शॉल जो है उनके कपड़े के ऊपर। तो मैं
मैं इसको राउंड ब्रश से ही कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पतला है, और अगर फ्लैट ब्रश से करेंगे तो कहीं दूसरे पार्ट में लग जाएगा तो फिर उसका लुक जाएगा, इसलिए तो उनको पीताम्बर धारी भी बोला जाता है क्योंकि उनका पीला है जिसका वस्त्र, तो उनका पीला होता था तो इसीलिए पीताम्बर हम लोग सॉल उनका येलो कर रहा है, इसको हम लोग दूसरे कलर से ड्राइंग करेंगे, इसको हम लोग ग्रीन करेंगे। तो हम लोग ब्राइट ग्रीन कलर लेंगे, उसके लिए मैं राउंड ब्रश का ही यूज कर रही हूँ। येलो के साथ ग्रीन बहुत ही वाइब्रेंट कलर दिखता है, तो कलर कॉम्बिनेशन जाता भी है and it look better, so मैं green color ले रही हूँ। इसमें कोई color के लिए force नहीं है कि आपको यही color लेना है, अगर आपके पास जो color available है आप उस color का use कर सकती हैं painting को बनाने में।
तो बॉर्डर का कलर हमने ग्रीन लिया। तो हमारा ये पार्ट फिनिश हुआ है। अब हम लोग राधा का, लहंगा का, कृष्णा का हम लोग हेयर को डार्क कलर करेंगे। राधा का हेयर के पार्ट को भी हम लोग कलर करेंगे और कृष्णा का आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबल होगा कृष्णा और राधा का हेयर को हम लोग कंप्लीट करेंगे कलर। ब्लैक कलर हम लोग करेंगे। मैं राउंड ब्रश का यूज कर रही हूँ। तो एक कृष्णा का हेयर का हमने कलर कर लिया। अब राधा के हेयर को कलर करूंगी।
राधा का हमने हेयर कलर किया, अब इनकी ज्वेलरीज हम लोग कृष्णा की जो भी ज्वेलरी है हम लोग उसको कलर करेंगे, ब्राइट कलर हम लोग यूज करेंगे ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी में भी हम लोग ग्रीन एंड बर्न्स सियाना कलर का यूज करेंगे। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, अगर कुछ इश्यू है कभी तो बताएंगे, क्योंकि मुझे मैं बनाती रहती हूँ तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता है उस सारी चीजों पे। मेरा दीदी नहीं दिख रहा, मतलब जहां आप ड्रॉ कर रहे हो। अच्छा, क्लियर दिख नहीं रहा है ये तो, दिख रहा है लेकिन अब हाँ दिख रहा है, दिख रहा है दीदी। अच्छा आप बना रहे थे। मेरे स्क्रीन पे तो दिख रहा है। येलो कलर मैं यूज कर रही हूँ, डिफरेंट टाइप का येलो है तो मैं इस कलर को ले रही हूँ।
तो हम लोग अभी राधा का ज्वेलरी में भी हम लोग सेम कलर लेंगे ग्रीन, ग्रीन कलर से फर्स्ट इनका ज्वेलरी इस पार्ट को हम लोग कलर करेंगे एंड फिर येलो लेंगे थोड़ा सा पार्ट आउटर पार्ट को येलो ग्रीन लेंगे एंड अंदर का येलो लेंगे, सॉरी आउटर पार्ट को हम लोग लेंगे येलो एंड इनर पार्ट को हम लोग लेंगे इनर पार्ट को हम लोग मेजेंटा लेंगे इसको हम लोग येलो लेंगे अंदर हम लोग इसको ग्रीन कलर करेंगे बांसुरी को येलो कलर से मेरे पास ऑलरेडी कलर है क्योंकि मैंने पूरा सेट लिया था तो मैं इसी कलर से कर रही हूँ राधा का लहंगा का कलर हम लोग कृष्णा से मैच करता हुआ हम लोग येलो कलर करेंगे दिख रहा है ना विजिबल है ना तो राधा का हम लोग लहंगा का कलर येलो करेंगे
हम लोग राधा कृष्ण बना रहे हैं, राधा का लहंगा हम लोग फिनिश करेंगे कलर से, एंड उसके अंदर का फ्लावर हम लोग कॉन्ट्रास्ट कलर देंगे। तो इसमें बहुत ही ब्राइट कलर का यूज किया जाता था जनरली, तो हम लोग इसमें ग्रीन एंड राधा का लहंगा का हो गया, और आज हम लोग यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे का इसको फिनिश करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाना चाहिए, इट विल नॉट टेक मोर टाइम। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला ड्राइंग बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।